से बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले पूरे ऑस्ट्रेलिया भर में जारी हैं। ब्रिस्बेन हो, सिडनी हो, मेलबर्न हो, पर्थ हो, और तमाम जगह पर क्रिकेट मुकाबलों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान टीम ने अब तक अपने जो सुपर 12 के 5 मैचेस हैं उसमें से 3 मैचेस खेल रखे हैं और 2 में उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा और 1 मैच पाकिस्तान टीम जीती है। और पाकिस्तान टीम पर्थ से अब से थोड़ी देर कबल सिडनी के लिए रवाना हो गई है, जहां वो वर्ल्ड कप का अपना 4th मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 नवंबर को खेलेगी। ये वो मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं कि जब पाकिस्तान टीम पर्थ से सिडनी के लिए रवाना हुई, आइए देखते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी पर्थ से सिडनी के लिए रवाना हुए और पूरे जोश और जज्बे के साथ खिलाड़ियों का मोराल भी बुलंद था, क्योंकि पाकिस्तान ने यहां पर पर्थ में अपने आखिरी मैच में नीदरलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी और इस शिकस्त के कामयाबी के बाद पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों का मोराल बुलंद है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 तारीख को टाकरा 3 नवंबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में होगा, जहां पर पाकिस्तान टीम पहुंच गई है और आज वहां पर आराम करेंगे और कल से अपने बाकायदा जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अहम मैच के लिए मशकों का आगाज कर देंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान सिडनी में पहली मरतबा आमना सामना होगा T20 वर्ल्ड कप का, और पाकिस्तान टीम के लिए ये मैच जीतना ज़रूरी है। जहाँ तक अब तक होने वाले मैचेस की अगर बात करूँ तो सबसे पहले पाकिस्तान टीम का यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में मुकाबला भारत के साथ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था, जहाँ पर 90,000 से ज़ायद शाकीन क्रिकेट ने उस मैच को बराह रास्त देखा और हमने उसकी मालूमात भी अब तक पहुँचाई। बदकिस्मती रही कि पाकिस्तान उस मैच में कामयाबी हासिल ना कर सका और आखिरी ओवर में भारत ने वो मैच जीत कर 2 कीमती पॉइंट हासिल कर लिए। कोको ये थी कि पाकिस्तान मेलबर्न में तो हार गया, कोई बात नहीं, अब जो पर्थ में है मैचेस हैं, जो 2 मैचेस खेले जाने थे वहाँ पर पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे और नीदरलैंड की टीमों के खिलाफ अपने मैचेस खेलने थे। जिम्बाब्वे के हाथों पाकिस्तान टीम को अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा और ये शिकस्त काफ़ी हद तक पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट के टाइटल की दौड़ से बाहर करने वाली थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान इस शिकस्त के बाद टाइटल की दौड़ से बाहर हो गया है। लेकिन अभी भी अब अगर मगर की सूरतहाल जारी थी कि फलां टीम फलां को हरा दे, फलां भारत जनूबी अफ्रीका को हरा दे, फिर पाकिस्तान आयरलैंड के खिलाफ नीदरलैंड के खिलाफ अपनी कामयाबी हासिल कर सके, लेकिन भारत जनूबी अफ्रीका के हाथों शिकस्त खा गया, जिसके बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कान बहुत कम हो गए हैं। अब कोई मुद्दा ही पाकिस्तान टीम को सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल कर सकता है। तो पाकिस्तान टीम का दूसरा मैच, जैसा मैंने बताया, जिम्बाब्वे के खिलाफ था, पाकिस्तान को 1 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। तीसरा मैच पाकिस्तान का नीदरलैंड के खिलाफ खेला गया, जिसमें पाकिस्तान टीम ने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की और ये कामयाबी कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं थी, क्योंकि बहुत कम हदफ था, 92 रन का टारगेट था और पाकिस्तान ने वो 92 रन भी 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किए। यहाँ पर वर्ल्ड कप का भी सफ़र जारी है और हम आपको यहाँ से मालूम फराहम करते रहेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़। और आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने कीमती आरा से हमें ज़रूर नवाजें, ताकि आपको वर्ल्ड कप और क्रिकेट के हवाले से अपडेट्स मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।